शरीयत बड़ा या संविधान बड़ा, देश के लिए नागरिक के लिए क्या बड़ा? पहली बात तो ये दोनों सवालों को जवाब को अलग क्यों कर दिया जाता है? वो जो संविधान है वही हमें 25 में ये आजादी देता है कि हम अपनी शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, और वही शरीयत ये कहती है कि तुम जिस देश में रहते हो उसके कानून को फॉलो करो। ये अलग क्यों कर दिया जाता है? ये एक ही है। इस देश का कानून हर एक नागरिक को ये इजाजत देता है कि वो जो भी धर्म से आते हैं उसको फॉलो कर सके, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल मत करिए कि संविधान बड़ा या शरीयत बड़ी, हमारे लिए दोनों बराबर।